अगर आप लोगों ने एमसीसी के अंदर राउंड वन में पार्टिसिपेट किया है फॉर बीएससी नर्सिंग कॉलेजेस, देन इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखना। अगर आप लोगों ने ये गलती कर दी तो भाई आप लोगों को अगर सीट मिलने वाला था फर्स्ट राउंड में, या आपको वो भी आपके हाथों से चला जाएगा। आपको फर्स्ट राउंड में नहीं मिला, सेकेंड राउंड में कितने चांसेस है आप लोगों को सीट मिलने के? क्या आपको सेकेंड राउंड के लिए अपने आप को अपग्रेड कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, या फिर आपको सेकेंड थर्ड या किसी भी राउंड में आपको सीट मिलने के चांसेस नहीं, आपको फ्री एग्जिट लेना चाहिए? तो वो सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको इसी वीडियो में देने वाली हूँ। इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगी, जिसके थ्रू आप लोगों ने जो एमसीसी की काउंसलिंग के अंदर अपने 11,000 लगाए हैं वो आपके बेस नहीं जाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्लैरिटी मिलेगा कि आपको अपग्रेड कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए, आपको फ्री एग्जिट कब लेना चाहिए, फ्री एग्जिट आपको कब लेना चाहिए, एंड सीट अलॉटमेंट होगा तो उसकी क्या कट ऑफ रहेगी, क्या सेकेंड राउंड में कितने आपके चांसेस है सीट मिलने के, थर्ड राउंड में कितने चांसेस है, टोटल बीएससी नर्सिंग की कितनी सीट्स वैकेंट रह सकती हैं राउंड टू के लिए, क्या कोई सीट राउंड टू में जाने के लिए बचेगी या नहीं बचेगी। थ्रू आउट द इंफॉर्मेशन ए टू जेड बीएससी नर्सिंग एमसीसी सीट अलॉटमेंट आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। ऑल्सो कल 23rd of August में हमारा सीट अलॉटमेंट आएगा। सीट अलॉटमेंट में आपका किस कॉलेज की कितनी कट ऑफ गई है कैटेगरी वाइज में यही लाइव सेशन लेके आपको एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगी। सो मेक श्योर, अगर आज आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बिकॉज यहाँ पे आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। ऑल्सो अगर आप 25 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो 25 नीट हो या बीएससी नर्सिंग हो, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो, हमारी हर दिन बायो की लाइव क्लासेस चल रही हैं, जो कि आप हमारे लाइव सेक्शन में जाके देख सकते हैं। हर दिन इवनिंग में 6 बजे हमारी लाइव क्लासेस रहती हैं। आप एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम 25 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप हमारी टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, फ्री एनरोलमेंट भी करा सकते हैं टेस्ट सीरीज के अंदर, जिसके कुछ क्वालिफाइंग क्राइटेरियाज हैं, आपको वो क्वालिफाई करके यू कैन एनरोल इन आवर टेस्ट सीरीज ऑल्सो। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आई टेल यू कि भाई हमारे पास जो एमसीसी की काउंसलिंग है उसमें बीएससी नर्सिंग के बारे में एक सीट अलॉटमेंट निकल के आया है। वो सीट अलॉटमेंट क्या है, कैसे आपको जाना है, यूजी मेडिकल पे जाना है, करंट इवेंट्स में जाओ, व्यू मोर पे क्लिक करो, देन यू विल गेट एन आइडिया ऑफ फाइनल सीट मैट्रिक्स फॉर योर बीएससी नर्सिंग। सो भाई ये आपका बीएससी नर्सिंग का राउंड वन का जितनी सीट आपकी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, किस कैटेगरी की कितनी सीट्स अवेलेबल है, टोटल कितने कॉलेजेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन कॉलेजेस का कोटा कैसे है, वो दिल्ली कोटा पे लेंगे या ऑल इंडिया से लेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन इसी के अंदर मेंशन है। अगर आपने राउंड वन में पार्टिसिपेट नहीं किया है तो राउंड टू में पार्टिसिपेट करना सोच रहे हो तो इस वीडियो को जरूर देख के तब आप पार्टिसिपेट करना। सो देखो सबसे पहले हमारे पास ये पूरा का पूरा इन्होंने दिया हुआ है। सबसे पहले अहिल्या बाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जिसमें आपका दिल्ली कोटा लगने वाला है। ऑल्सो अहिल्या बाई में आप लोगों का बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ऑल इंडिया कोटा के बेसिस पे ही होगा। तो ऑल्सो यहाँ पे इसका मतलब 85% आप लोगों का जो सीट अलॉटमेंट होगा वो दिल्ली कोटा के लिए होगा और 15% बच्चों को सीट ऑल इंडिया रैंक पे बेसिस पे मिलेगा। अब यहाँ पे अगर आप सीट्स की बात कर लें तो भाई यहाँ पे देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कोई आपको नहीं बताएगा, आप टोटल सीट देख रहे हो भाई दिल्ली वाले बच्चों के लिए 42 सीट्स अवेलेबल है, लेकिन ऑल इंडिया वाले बच्चों के लिए सिर्फ और सिर्फ 7 सीट अवेलेबल है, ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे के लिए कोई सीट नहीं है। तो इसका मतलब कोई अगर ईडब्ल्यूएस वाला बच्चा ये एक्सपेक्ट करके चल रहा है कि मुझे ऑल इंडिया बेसिस पे सीट मिल जाए अहिल्या बाई में, तो भाई वहां पे सीट अवेलेबल ही नहीं है तो कैसे मिलेगी, नहीं मिलेगी, तो इट मीन्स आपको अहिल्या बाई चॉइस फिली में रखना ही नहीं है। ठीक है, यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सेकेंड पॉइंट पे देखो अहिल्या बाई में बीएससी नर्सिंग सीडब्ल्यू कोटा के अकॉर्डिंग है, सिर्फ एक सीट अवेलेबल है, वो भी जनरल की एक सीट अवेलेबल है। तो इसका मतलब अगर सीडब्ल्यू कोटा से अगर आप देख रहे हो तो बाकी कैटेगरी वाले बच्चों के लिए कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। देन आपका है बीएचयू वाला, बीएचएमआरसी वाला भोपाल के अंदर है, इसमें आपकी अगर आप देख रहे हैं ऑल इंडिया से ही होता है, सिर्फ कोई स्टेट कोटा नहीं है, 40 सीट्स अवेलेबल है। कैटेगरी वाइज आप सीट्स देख लेना यहाँ पे कि भाई देखो एसटी कैटेगरी सिर्फ 3 सीट अवेलेबल है, तो एसटी कैटेगरी वाला बच्चा सोच समझ के अगर आप इसी कॉलेज को टारगेट कर रहे हो काउंसलिंग कराना अपना। नेक्स्ट चीज आ जाता है बीएचयू, बीएचयू में सबसे ज्यादा सीट्स अवेलेबल 75 सीट्स अवेलेबल है। क्या क्या मेट्रिक्स है वो आप यहाँ से देख सकते हैं, जैसे आरएमएल है आपका ऑल इंडिया बेसिस पे 54 सीट से ज्यादा ऑल इंडिया बेसिस की सीट है इसके अंदर। आरएमएल के अंदर सीडब्ल्यू कोटा की सिर्फ एक सीट है, तो इसका मतलब जो ऑल इंडिया वाले बच्चे दिल्ली में एडमिशन लेना चाहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नीट, तो उनको बोलूंगी कि भाई आप अपना आरएमएल कॉलेज टॉप पे रखो सबसे ज्यादा, क्योंकि सीट अवेलेबल है भाई वहां पे, सिंपल सी चीज है।
फ्लोरेंस नाइटेंजल में देखो 61 सीट्स है दिल्ली वाले बच्चों के लिए, लेकिन वही ऑल इंडिया वाले बच्चों के लिए 12 सीट्स है। तो मतलब कुछ ना कुछ ऑप्शन है यहाँ पे। फ्लोरेंस नाइटेंजल सीडब्ल्यू कोटा में 4 सीट्स अवेलेबल है। एलएचएमआरसी ऑल इंडिया पे 59 सीट्स अवेलेबल, तो आप आरएमएल के बाद एलएचएमआरसी पे जाओ, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज पे, बहुत अच्छा कॉलेज है बीएससी नर्सिंग का। अगर आप यहाँ पे सीडब्ल्यू कोटा से देख रहे हो सिर्फ 3 सीट अवेलेबल है। आपका राजकुमारी अमृता कौर कॉलेज ऑल इंडिया बेसिस पे 69 सीट्स अवेलेबल है। सीडब्ल्यू कोटा 4 सीट्स अवेलेबल है। सफदरजंग वीएमएमसी में 53 सीट्स अवेलेबल है ऑल इंडिया बेसिस पे, एंड देन आपका सीडब्ल्यू कोटा से 2 सीट्स अवेलेबल है। फिर इसके बाद आता है ईएसआईसी, सो सिर्फ और सिर्फ यही कॉलेजेस हैं जो कि आपके पार्टिसिपेट कर रहे हैं एमसीसी काउंसलिंग के अंदर, इन्हीं के अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इन्हीं में अगर आपने राउंड वन में चॉइस फिलिंग किया कर सकते हैं, अन्यथा आप राउंड टू में करो। तो यहाँ पे भाई दिल्ली कोटा वाले बच्चों के लिए सिर्फ और सिर्फ कौन सा, अहिल्याबाई कॉलेज और आपका फ्लोरेंस नाइटेंजल, दीज आर द टू कॉलेजेस जो कि दिल्ली वाले बच्चों के लिए बेनिफिशियल होंगे। नेक्स्ट ऑल इंडिया वाले बच्चों के लिए वी हैव 3 से 4 ऑप्शंस जो कि आप एमसीसी के थ्रू बेनिफिट उठा सकते हो आप यहाँ से। बाकी क्या हर एक कॉलेज का कट ऑफ रहेगा कैटेगरी वाइज, बिल्कुल शॉर्टन एंड ऑथेंटिक डेटा आप लोगों को मैं शेयर करूंगी। जैसे सीट अलॉटमेंट आएगा हर एक चीज आपको क्लैरिटी से मिलेगा कि राउंड टू में, बिकॉज देर आर सो मेनी स्टूडेंट जिन्होंने राउंड वन में पार्टिसिपेट नहीं किया, देन स्टार्ट बीएससी नर्सिंग का काउंसलिंग बाई राउंड टू। टोटल कितनी सीट्स अवेलेबल है, क्या कट ऑफ रहा है, आपके चांसेस है नहीं है, आपको राउंड टू में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। अब नेक्स्ट चीज आ जाती है कि भाई अगर आपको सीट अलॉटमेंट मिल जाता है राउंड वन, तो आपको नेक्स्ट चीज क्या चेक करना है कि जो कॉलेज आपको मिले उस कॉलेज की फीस स्ट्रक्चर कैसी है। उसका फीस स्ट्रक्चर आप चेक कर लो, इफ यू कैन अफोर्ड आप दे सकते हो तो उस कॉलेज को ज्वाइनिंग। कॉलेज ज्वाइनिंग करने के लिए आपको फिजिकली कॉलेज में रिपोर्ट करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रखने हैं ध्यान से सुनना। आपके पास आपका 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, मार्कशीट अलग होती है सर्टिफिकेट अलग होता है, दोनों चीजें अलग होती है। सेकेंड आपका 12th से आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको मिला होगा, आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगाना है। देन इसके बाद आपका होना चाहिए, अगर आपने ड्रॉप लिया है तो आपके पास आपका गैप सर्टिफिकेट होना चाहिए विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास आपका प्रॉपर आधार कार्ड, आधार कार्ड में आपकी सारी डिटेलिंग आपकी मार्कशीट से मैच करी हुई होनी चाहिए। ये डॉक्यूमेंट एमसीसी की वेबसाइट पे आपका सीट अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा, कैसे वो डाउनलोड करना है वो सारी चीजें मैं आपको बता दूंगी। नेक्स्ट आपके पास नीट का आपका स्कोर कार्ड होना चाहिए, आपका नीट का ओएमआर शीट का प्रिंट आउट जो कि आपको मिल जाएगा, आपको आपके रजिस्टर आपकी आईडी पासवर्ड से लॉग इन करोगे वहां पे, आपके पास ये चीजें होनी चाहिए। ऑल्सो कॉलेज टू कॉलेज आपका वेरी करता है आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने, तो मैं आपको बोलूंगी कॉलेज एक बार अलॉट हो जाता है तो आप उस कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके वहाँ की सारी एडमिशन फॉर्मेलिटीज चेक कर लेना। एंड डेट का वेट मत करना कि कल लास्ट डेट है सीट आपका ज्वाइनिंग का और आप आज जा रहे हो, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप आज गए कॉलेज में वो आपको ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट बोल देंगे जिनको बनवाने में 1 से 2 दिन लग जाएगा, एंड वो डॉक्यूमेंट नहीं दोगे तो आपका सीट वहाँ पे कन्फर्म नहीं होगा। तो मैं आपको बोलूंगी अगर आपका 24 से सीट अलॉटमेंट स्टार्ट हो रहा है तो 24 में ही चले जाओ कॉलेज में, डॉक्यूमेंट्स कुछ कम रह जाते हैं तो 1-2 दिन का टाइम वो दे देते हैं, एफिडेविट सबमिट करा लेते हैं वो करके चले जाना, बट एंड डेट का वेट बिल्कुल मत करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। ऑल्सो कट ऑफ क्या रहेगी, बाकी सारी चीजें आई लेट यू नो वेरी सून। कल सीट अलॉटमेंट आएगा तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन लाइव सेशंस में आके मैं 1-on-1 समझाने वाली हूँ। इसके अलावा देर आर सो मेनी बीएससी नर्सिंग कॉलेजेस जो कि आईपीयू के अंदर है लेकिन उनका काउंसलिंग एमसीसी नहीं करा रहे, उनका काउंसलिंग आईपीयू अलग से खुद से कराएगा। उनका ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया था कि जिन कॉलेजेस का काउंसलिंग आईपीयू कराएगा उन कॉलेजेस की चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, कब चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बहुत जल्दी मैं अपने ही चैनल पर प्रोवाइड कराने वाली हूं। सो स्टे ट्यून्ड माय यूट्यूब चैनल, चैनल सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखना, बिकॉज सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको यहीं पे मिलेगी। सो मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो में, बाय एवरीवन।